नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा हूं और मैं हूं काशीनाथ विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस के पास। एक बहुत अच्छा सा गार्डन है जहां पे बहुत सारे खूबसूरत फूल जो हैं वो लगाए गए हैं और मुझे लगता है कि वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए क्योंकि ये फूल कहाँ अभी प्रदर्शित किए जाएंगे और ये जो अनुभव मैं आज कर पा रहा हूँ ये आप भी कर पाओगे क्योंकि ये पूरे जो फ्लावर्स हैं और जो भी सो प्लांट है ये सब अभी आने वाले 2 से 3 दिनों में हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में सजाया जाएगा और उसका जो आनंद है, जो एक्सपीरियंस है, वो आप स्वयं ले सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो फ्लावर्स हैं थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे हैं। आप इसको पहले देखो। ये बेसिकली एक ही वैरायटी है, उसके अलग अलग आप क्रॉस समझ सकते हो, कलर्स की क्रॉसिंग है गुलदाउदी, जो कि जनरली हमारे विंटर सीजन की सबसे एक तरह से फेमस मुझे लग रहा है फ्लावर है, और जिसमें सिंगल है, जिसमें मल्टी कलर्स हैं, जिसमें कई सारे गुच्छों में है। और यहाँ पे कई सारे फ्लावर्स को देखने के साथ साथ ये हमारे घरों में एक बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है जो कि शायद रामा और श्यामा, ये इसमें देखो ग्रीन कलर और जो हमारे यहाँ रामा श्यामा दोनों मिला के, यानी तुलसी का पौधा जो है वो भी सो प्लांट के तौर पे यहाँ लगाया गया है। इसका भी आप आनंद उठा पाओगे। बेसिकली इसमें हाथ फेरो और स्मेल करो तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, और अच्छी बात ये है कि इस पूरे फ्लावर को इतना बढ़िया बनाने के लिए, इतना मेहनत करने के लिए जो हमारे साथ हैं वो यहाँ के माली हैं। चाहूँगा सर सबसे पहले अपना, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने, क्योंकि बेसिकली हमारा जो विश्वविद्यालय है वो इस चीज के लिए जाना जाता है। जब हमारी NIRF की रैंकिंग आती है तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि शैक्षिक गतिविधि को चेक किया जाता है, उसी तरीके से एक हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको भी आंका जाता है कि बेसिकली विश्वविद्यालयों में BHU जो है वो किस स्थान पे है। तो आपकी वजह से ही उसमें हमारा विश्वविद्यालय हमेशा फर्स्ट रैंक, पहला स्थान प्राप्त करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहेंगे सर। मैं कुमार सिंह, महेंद्र जी। हाँ महेंद्र जी, रहने वाले बाबतपुर के हैं लेकिन यहाँ चितईपुर में मकान बना के रहते हैं। अच्छा, आप यहाँ के परमानेंट माली हैं। हाँ, परमानेंट। कितने सालों से आप यहाँ कार्यरत हैं? कार्यरत यहाँ पर तो है 5 साल हो गया। 5 साल, उसके बाद 2005 में परमानेंट हुए। कर तो रहे थे 90 से, लेकिन आ करके 2005 में हमारा परमानेंट। तो आप इसको एक प्रोफेशन के तौर पर देखते हैं, पैशन है आपका फ्लावर्स के साथ, एक आत्मीयता है, लगाव है? लगाव है, तभी तो शुरू से ही हम लोग, पहले नर्सरी हमारी डीलर के पास, अच्छा, वहीं से इसका कार हम सीख करके तो यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम लोग चल के उधर के फ्लावर्स को परिचय कराइए। ये एक देखो, यहाँ पे हमारे महादेव जी को इन्होंने पौधों में एक रूप दे दिया है, बड़ा अच्छा। कौन सा पौधा है वे? कामिनी। कामिनी को आपने शिवलिंग दे दिया है, चलिए अच्छा। और यहाँ पे सिंगल आपका जो है, क्या बताना चाहेंगे इसको? ये हम लोग वैरायटी में इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं अभी हम बता रहे हैं, पम्पम नहीं, स्पाइडर। अच्छा, कहने का मतलब है कि इसमें इतनी सारी वैरायटी हैं कि आपको एक बार डेकोरेटिव, इसको डेकोरेटिव कहते हैं हम लोग। अच्छा, डेकोरेटिव फ्लावर है, इसमें 3 से 5 फूलों के ग्रुप बनते हैं। अच्छा, एक गमले में आपने इसमें 3 रखा हुआ है? 3 या 5 होना चाहिए। अच्छा, 3 या 5। हाँ अच्छा, और उसके बाद झाड़ जैसे यह है, इसी का ये झाड़ बनाया हुआ है। अच्छा, और सिंगल में उस साइड में है जो एक एक फूल के होते हैं। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? पम्पम नहीं, यही डेकोरेटिव। अच्छा, डेकोरेटिव का अलग वैरायटी है, इसमें 3 से 5 और झाड़ एक सिंगल बना आएंगे। दादा थोड़ा उधर हम लोग देखते हैं, बहुत आपने उधर। अच्छा, ये सो प्लांट उधर नहीं है, सो प्लांट थोड़ा इधर ही परिचय करा दीजिए। तो कोलियस की वैरायटी है यही। अच्छा, इसको कोलियस बोलते हैं? कोलियस विभिन्न प्रजाति की कोलियस हैं। इसमें देखिए हम लोगों ने एक रूप दिया है शिवलिंग का। ये देखो बेसिकली एक आप डेमो समझ सकते हो, और ये जो पूरा प्रदर्शनी है ये विश्वविद्यालय के मालवीय स्मृति भवन में 25 से 27, हाँ 25 से 27, 25, 26, 27, और इसका आनंद हर कोई ले सकता है। यानी आप बनारस में रहते हो, यहाँ के स्थानीय लोग में आते हो, आप विश्वविद्यालय के किसी एफिलिएट संबंध कॉलेज में पढ़ाई करते हो, तो आप इस पुष्प प्रदर्शनी का 25, 26, 27 में आनंद ले सकते हो। अच्छा, ये आपने
शिवलिंग का रूप दे दिया है। अच्छा, ऐसे इसी तरीके का आप डेकोरेशन वहाँ करने वाले? अभी तो पूरा इसको ना शेप देंगे, ऊपर से नीचे तक ऐसे आएगा। अच्छा, मतलब अभी तो ऐसे सरिया दिए हैं, लेकिन इसको हम लोग हाइट दे करके उठा करके एकदम ऐसे बनाएंगे। अच्छा, ये बड़ा बढ़िया देखने में लगता होगा। तो आइए थोड़ा उधर हम लोग देखते हैं। चलिए, हम भी हैं। अरे आइए, आप भी चलिए, बताइए, आइए आइए। और ये पिछले कितने महीनों से आप लोग इसमें काम करते हैं? लगभग एक साल के पौधे खत्म होगा ना, तो तुरंत जो जिलाते रहते हैं साल भर, गर्मी भर हम लोग जुलाई से इसमें लग जाते हैं। जुलाई से? आप क्या इसका बीज लगाते हैं या फिर इसका जो रूट निकलता है उसी को हम लोग लगाते हैं? अच्छा, फिर आप धीरे 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 इसको ग्रोथ करके बड़ा करते जाएंगे, कटिंग करते जाएंगे, तब इतना बड़ा गमला बनता। अच्छा, एक बड़ा डिफिकल्ट चीज है, आप इसको इन्हीं तिथियों में कैसे खिला पाते हो? तिथियों में ही सबको समय से खाद दवा पानी समय से दिया जाता है, तब इतना भर करके आता है। मतलब नहीं, 6 महीने के अंदर में, मतलब दिसंबर में तैयार हो जाना चाहिए। जनरली जैसे क्या है ना, हो सकता है फ्लावर ना खिल सके 25, 26, 27 में, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम होता है कुछ गमले हैं जैसे कम फूल आए हैं। अच्छा, कम फूल आया, लेकिन जो ज्यादा फूल आ गए हैं उनमें तो हम लोग अलग अलग एंट्री वाइज सिंगल कोरियन, अच्छा डबल कोरियन, सिंगल कोरियन, स्पून, अच्छा स्पून, एनीमोन, अच्छा ये है पंपम, आपका पंपम, अच्छा ये पंपम है, ये हम लोग वैरायटी। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें जब छोटा होता होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करते होंगे कौन सा कलर है ये? वो अलग अलग गमले रखे जाते हैं। अच्छा, पहले से आप लोग कैटेगराइज कर देते हैं? हम लोग रख दिए हैं, तो इसी में से सूट निकाल करके लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद तैयारी करते रहते हैं। अभी देखिए एनीमोन है, एनीमोन, अच्छा ये एनीमोन है, एनीमोन है, और ये स्पून है, स्पून। अब चम्मच जैसा होता है ये। अच्छा, इसमें आप लोग जैसे कि ठंड में तो जनरली इसमें फ्लावर का सीजन है, ये इसमें बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं, तो लाइक आप बस गुलदाउदी को ही क्यों एम बनाते हैं? और गुलदाउदी भी है ना, गुलाब और गुलदाउदी का सीजन है। अच्छा, नहीं जैसे डहेलिया भी इस समय होता है, डहेलिया जाकर के फरवरी में तैयार होगा, जैसे हमारा क्यारी में सीजनल लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, डहेलिया लग गया। मीन्स इस पुष्प प्रदर्शनी में आप बेसिकली इसी फ्लावर से अपना जो है गुलाब और गुलदाउदी, गुलाब और गुलदाउदी का होता है। अच्छा, और आप ये जो फ्लावर है, क्योंकि जो एग्जीबिशन होता है उसमें तो हर डिपार्टमेंट फैकल्टी को आई थिंक प्लेस दिया जाता है, फिर वहाँ पे रैंकिंग की जाती है, तो आप ये जो पूरा फ्लावर है किसकी तरफ से वहाँ पे प्रदर्शित करने वाले हैं? हम लोग चाहेंगे थोड़ा, हम लोग चलते रहते हैं। अच्छा, केंद्रीय कार्यालय की तरफ से मैं चाहूंगा कि एक बार केंद्रीय कार्यालय दिखा दीजिएगा, क्योंकि नहीं नहीं वहाँ चल के नहीं इसे दिखा देंगे हम लोग। केंद्रीय कार्यालय वहाँ चलेंगे तो आप केंद्रीय कार्यालय का ये जो लुक है वहाँ की तरफ से ये पूरे फ्लावर्स जो हैं वो फाइनली मालवीय स्मृति भवन में प्रदर्शित किए जाएंगे। जैसे अभी नहीं, जैसे रस्सी लगा है ना, उसको नहीं लगाएंगे तो पूरा टूट करके गिर जाएगा। अच्छा, तो आप इसलिए सपोर्ट दिया जाए। ये कौन से आती है लंबी वाली डंडी जो है, ये बांस है क्या? ये है नहीं, नरकट, पहले की कलम जो स्याही से लिखी जाती थी वही चीज है नरकट। अच्छा, ये आप कहाँ से, मतलब मार्केट से खरीद के ला रहे हो? नहीं, बगल में मिलता है उधर डेयरी फार्म। अच्छा, फिर आप इसको रस्सियों से बांध के उसको सपोर्ट करते हो, सीधे रहे ऊपर निकले। ये सबसे नॉर्मल वैरायटी लग रहा है जो जनरली मिल जाती है, क्या नाम है इसका? क्या इस वाले वैरायटी का? नहीं, नॉर्मल वैरायटी नहीं है। नहीं, ये तो वही अच्छी चीज है, डबल कोरियन में, डबल कोरियन में है, वहाँ जो बड़े 4 गमले लगे हुए हैं। अच्छा, ये अच्छा ऐसा बेसिकली क्या विश्वविद्यालय में इतने फ्लावर हो जाते हैं कि एग्जीबिशन में पूरा पर्याप्त हो जाता है कि बाहर से खरीदना भी पड़ता है आपको? नहीं, पर्याप्त हो जाता है, यहाँ से जितना रहेगा सब जाएगा, लग जाएगा, अलग अलग कोई बात नहीं। वहाँ हाईनेस है और सेंट्रल हम लोगों का ऑफिस है वहाँ, से अच्छा पूरे प्रोग्राम के बाद जब आप 3 दिन का पूरा प्रदर्शनी कर लेते हो तो फिर फ्लावर एक किए जाते हैं, फिर वापस आते हैं, यहीं आ जाते हैं इसको, फिर नहीं आएगा तो कैसे हम लोग तैयार करेंगे? अच्छा, बस ये पूरे साल आप बस उस 3 दिन के लिए मेहनत करते हैं? अच्छा, जो जब गमला वापस आता है ना तो फिर हम लोग जो है जो सेंट्रल ऑफिस के वहाँ पर सजवा देते हैं, सजा देते हैं। अच्छा, ये वो फ्लावर्स हैं जिसमें फूल लेट आ रहा है ना?
ये बेसिकली। अच्छा दादा, कितने लोग आपके साथ काम करते हैं, जैसे ये भैया लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग होंगे? ये लोग जो गमले में 3 लोग हैं हमेशा, सही, 1 साल के लिए 2-3 लोग हैं। अच्छा, 2-3 लोग पूरा साल काम करेंगे? पूरा साल। अभी देखिए, अभी खत्म हो गया, यही नहीं है, इसके बाद गर्मी वाले के सीजन पौधे तैयार होंगे। अच्छा, फ्लावरिंग मार्च के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब ये जाड़ा का है। अच्छा, पिछली बार सुनिए, हमारे पास बताइए, जो आपका जो है खत्म हो जाएगा तो अगले महीना में आ चुका है। अब इसमें हम लोग उसमें तैयारी करेंगे, अब उसको तैयार करेंगे, फिर फरवरी में जाकर। दादा चलिए, आप थोड़ा एक दो शब्द बताइए, हमारी जो यूथ है वो बेसिकली इन पौधों में कैसे, यानी फ्लावर्स में कैसे मन लगाए, क्योंकि आजकल पर्यावरण के बारे में लोग बड़ा कम सोचते हैं, और इन पौधों से तुम्हारा घर भी अच्छा लगते हैं, तो कैसे लोग उसमें मन लगाए, कैसे यूथ सोचे कि हाँ उन्हें भी फ्लावर्स में मन लगाना चाहिए, फ्लावर लगाना चाहिए, क्या बोलना? बेकार घंटे तो आदमी इन सब में समय दे सकता है, कहीं भी 2-4 गमले अगर रख देता है तो उसमें तो समय देना जरूरी है। जैसे बहुत महंगे पौधे होते हैं? नहीं नहीं, महंगे नहीं होते हैं। इसकी जैसे डाली है, इतनी बड़ी डाली हम लोग बरसात में कटिंग करके इसको बालू में लगा देते हैं, रूटेक्स आता है। अच्छा, उसमें लगा करके बालू में दबा देते हैं, उसके बाद जब पौधा तैयार हो जाता है तो जुलाई में इसको हम लोग लगा देते हैं। अच्छा, लगाने के बाद बस उसकी देख रेख, निराई गुड़ाई, खाद पानी, यही चलता है, बस इतना करते रहिए। हाँ, और धीरे धीरे अपना अपना समय पर समय के साथ फ्लावर आ जाएगा। समय समय पर खाद खाद वगैरह इसमें पड़ता है ना। चलिए, की मेन चीज जो इतना हम लोग घना बना है ना, उसको हमेशा काटते रहते हैं ऊपर से। अच्छा, ये जो इतनी सारी इसमें लाइक कलियां निकली हैं, तो आप इसको स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे उसकी जो टिप पॉइंट रहता होगा ऊपर का, वो कितने कितने दिनों पर आप उसको तोड़ रहे होते होंगे? लगभग महीना 15 दिन पर, जैसे उसमें बढ़ाव दोबारा आया, एक काटे तो 2-4 आया, फिर 4 को आप काटे तो 8 आया, ऐसे ऐसे घना होता। मैं समझ गया, इसका मतलब स्टार्ट 1 से होता होगा, आपने उसको तोड़ा 2 हुआ, 2 को तोड़ा 4 हुआ, और इस तरीके से ये पूरा एक राउंड में हो जाता है। ये सूट देख रहे हो ना, अभी निकलना शुरू हो गया, एक पेड़ लगा हुआ है ना, एक पेड़ से कटिंग हुआ, तो यहाँ से कटिंग हुआ, फिर बढ़ा, फिर यहाँ से कटा। अच्छा, इसको मैं निकाल के अगर लगा दूं तो मुझे लग रहा है ये हमारा एक अच्छा सा पकड़ लेगा, लेकिन का गमला रेडी हो जाएगा। अब नहीं, समय पर ही, समय फूल पे, समय पर ही फूल आएगा। अच्छा, अच्छा आपने इसमें कई बार तो मतलब रोग का डर होता होगा, कोई बीमारी का? बेसिकली इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं, इसमें किस टाइप के जो बीमारियां हैं वो लगने का डर रहता होगा, किस टाइप की बीमारियां लगने का डर होता होगा इसमें? कुछ फंगस, जैसे ये मुझे देख पा रहा हूँ मैं, ये शायद काला हो। अच्छा, ये माहो लगते हैं, तो इसके लिए अलग दवा छिड़का जाता है, और इसको कली फूटने के अलग चीज दिया जाता है। अच्छा, फ्लावर्स को लाने के लिए भी आप उसमें छिड़काव करते हैं? दिया जाता है। अच्छा, और आप विश्वविद्यालय प्रशासन आपको इसमें पूरा सपोर्ट करती है? हाँ, जो चीज मांगेंगे वो मिलता है। अच्छा, अच्छे एकदम भरता रहता, मतलब आप 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 पानी बीज प्रशासन, मैं पूरा समझ रहा हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप इससे और बेहतर कर सकते हैं? अगर प्रशासन आप बेहतर करेंगे और बेहतर कर सकते हैं। अच्छा दादा, आप बेसिकली पौधों से जुड़े हुए हैं, तो आजकल बड़े पेड़ कट रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? आप कैंपस में देख रहे होंगे बड़े बड़े पौधे, जो बड़े जो पेड़ बड़े जो कट रहे हैं ना, जो उसका समय खत्म हो गया, जो 30 साल के ऊपर जो सागौन का पेड़ है उसका उम्र खत्म हो गया है। अच्छा, तो उसको काटने से जो है वन विभाग जो है उसको ऑर्डर देता है, फिर उसके बाद तब कटा जाता है। इसके अच्छा, कटने के पहले लोग पेड़ लगा करके ही तब कटवाना चाहिए। हाँ, ये भी तो एक लगता है, लगता है, एक पेड़ कटता है तो कम से कम 10 लगना चाहिए। वो लगता है, लेकिन देख रेख बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है देख रेख। जैसे बरसात में पेड़ लग गए, अब उसके बाद आदमी उस पर से हटा दिए गए, तो बिना पानी का निराई गुड़ाई का फिर वो पाएगा। अच्छा, एक पेड़ तैयार होने में तो बहुत साल भी लग जाता होगा, 10 साल लग जाएगा लगभग, कम से कम 10 साल से ज्यादा लगता है। चलिए, वो तो धीरे धीरे ग्रोथ होता जाता है। फाइनली, मेरा नाम नीर दर्शन है, और दादा ये पूरे पुष्प प्रदर्शनी को
आपको दिखाएंगे मालवी स्मृति भवन जी। हाँ, मैं चाहूंगा वो तिथि आप बताएं कौन सी तिथि है। 25 दिसंबर। 25 दिसंबर से आप इन पूरे फ्लावर्स के साथ जो अनुभव है वो स्वयं ले सकेंगे और आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं मालवी स्मृति भवन 25, 26, 27 जी। फूल से, पत्ता से, फल से, सब्जी से, सब वहाँ वहाँ सब्जियाँ भी होंगी। अरे भाई जरूर आइएगा। जो कटिंग का फूल है ना, इतने बड़े डंठल कटिंग वाले फ्लावर भी वहाँ लगते हैं बाजी बक्से में। चलिए बहुत बहुत गुलाब भी लगता है। थोड़ा सा और आगे आइए, गुलाब में आइए, गुलाब देख लेते हैं। येलो, रेड और कई सारे कई विभिन्न रंगों का गुलाब है। ये गमलों को इन लोगों ने गेरुआ कलर से कलर करके इसको एक थोड़ा सा बढ़िया लुक देने की कोशिश की है। ये मोरपंखी है? हाँ, ये मोरपंखी है। कितना बढ़िया आप लोगों इसकी कटिंग किया हुआ। ये मोरपंखी है, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा ये है गुलाब की बागवानी। ओ वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बड़ा, ओ भाई क्या खूबसूरत गुलाब है। मैं चाहूंगा ये आप प्लीज इसको क्लोज शॉट में लीजिएगा। येलो कलर की गुलाब है और हमारे सामने एक बहुत ही डार्क रेड वाली जो गुलाब होती है इसको वो है। ओ भाई ब्लैक कलर का गुलाब यहाँ पे। अच्छा ये पिंक कलर का गुलाब है। हाँ ले लीजिए भैया, दादा ने बहुत मेहनत किया होगा, ले लीजिए। अच्छा पराग जी यहाँ पे व्हाइट गुलाब है। अच्छा हर कलर है, आप इसको कट करके वहाँ पे सिंगल सिंगल लगा ले। हाँ, अच्छा लगेगा। अच्छा मैं चाहूंगा कि ब्लैक कलर गुलाब था यहाँ पे। ये एक्सट्रीम डार्क रेड आप बोलो या इसको ब्लैक कलर बोलो, ये एक बहुत अच्छा सा गुलाब यहाँ पे दिख रहा है। ये कितने दिन में रेडी हो जाता होगा? इसका तो अब तैयार हो गया, ये भी एक साल चलता है, अक्टूबर में इसका कटाई होता है। तो ये क्या आप लोग कलम की हो? एक साल का पौधा है ये? नहीं, ये पुराने पौधे, पुराने पौधे, पुराने पौधे। उधर उधर देसी है, वो देसी गुलाब है। पौधे उधर नए लगे, उधर देसी गुलाब है। ये बहुत, हाँ ये कौन सा कलर है? ये मिक्स है क्या? ये कौन सा कलर है? अमेरिकन हेरिटेज। अमेरिकन हेरिटेज। दादा दादा और भी एक दो गुलाब बताइए अंदर। हाँ हाँ अंदर आइए। अच्छा 3 मिनट से हमारे पास और है, ठीक है दादा। 3 मिनट पर आ जाओ, इधर कुछ गुलाब है यहाँ पे, जल्दी से कर देंगे। अच्छा ये देसी गुलाब दादा, दादा ये रोज दिखाए आप, ये कौन से गुलाब? ग्रीन। ओ भाई ग्रीन रोज, नहीं नहीं देखना चाहिए, ग्रीन रोज। ये ग्रीन रोज है। अच्छा प्रथम पुरस्कार आता है हमेशा, प्रथम पुरस्कार हमेशा ग्रीन रोज। ओ भाई मैं चाहूंगा प्लीज इसको क्लोज शॉट में लीजिएगा। ये हरे कलर की गुलाब है, हरे कलर की गुलाब। मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ अभी दादा अपने जीवन में, ये गुलाब मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऊपर से भी ले लीजिए। ओ भाई तो ये आपका प्रथम पुरस्कार आया हुआ है पहले में? चाइनीज हमेशा आता है, हमेशा प्रथम पुरस्कार। कहीं मिल नहीं पाता है, यही बचा है कहीं मिल। अच्छा एक ही पौधे हैं बस पूरे बीएचयू में आपके पास? हाँ बस, तो एक ही बस हमारा ये। अब इसी से और तैयार करेंगे तो ग्रीन गुलाब, जैसे देसी इसका जड़ है। अच्छा इसी में उसका बर्ड निकाल करके ग्राफ्टिंग करेंगे। इसका ले लीजिए। अच्छा देसी गुलाब, देसी गुलाब। एक बार मैं अब एंड करूंगा, लॉन्ग शॉट ले लो ठीक है। तो ये देसी गुलाब जो हमारे घरों में होता है लेकिन हम लोग इस तरीके से उसको हम लोग बना नहीं पाते जिस तरीके से दादा लोगों ने मेहनत करके इतना बड़ा देसी गुलाब रेडी किया हुआ है। तो मैं इस वीडियो का यहीं पे अब समापन करूंगा और मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नंबर भी आपका जरूर ले लेंगे दादा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत बढ़िया मेहनत किया है। बहुत अब मैं चाहूंगा कि जरूर आप लोग आइएगा, दादा वहाँ मिल जाए। हाँ, दादा को थैंक यू कहिएगा, दादा ने इतना मेहनत करके इतना बढ़िया जो है वो पुष्प प्रदर्शनी के लिए फ्लावर्स रेडी किया है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। विश्वविद्यालय परिवार आप सभी का स्वागत करता है और वहाँ पे आप सभी को आमंत्रित करता है। वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगने वाला है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतनी अच्छी चीज को देखने के लिए आपको फ्री में बुलाया जा रहा है, आप जरूर आमंत्रित होइएगा ठीक है। मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।